म इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे कौन से करंट अफेयर्स हैं कि जिनको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है किस तरीके से पूछा जा सकता है ये भी हम साथ साथ थोड़े साइड नोट्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसके अंदर सवाल बन सकता है एंड लेट्स हमारा आज का जो तो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन वी है ये फर्स्ट एट है झारखंड जिसने ये रिलीज करी है इट इज नॉट हेल्थ 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 कार्ड, कार्ड। इट फॉरेस्ट फॉरेस्ट कि की के अंदर अंदर जो है, है, उसके अंदर क्या चल रही राइट? Right? तो अभी आ, नाइट्रोजन की जो कमी है वो भारी मात्रा में देखने को मिली है अबाउट सिक्सटी नाइन सॉइल इन झारखंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ नाइट्रोजन एज पर एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट है ना इसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है और क्या उसके स्टेटिस्टिक्स हैं क्या क्या पूछा जा सकता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कि uh, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है इसके अंदर तो बहुत ज्यादा हाईली क्यूरेटेड कंटेंट की जरूरत होती है इसके अंदर इट इज करंट अफेयर्स कोर्स फॉर प्री एज वेल एज मेन्स

We वही अगेन पिछले वीक का करंट अफेयर जिसमें क्लास से ज्यादा कंटेंट रहेगा और कंप्लीटली आपका जो करंट अफेयर का काम है वो डन हो जाएगा नंबर थ्री वी है इन तीन चीजों की कॉन्फिडेंस के साथ यू कैन कंसिडर की आपके करंट अफेयर की तैयारी है

मूविंग फॉरवर्ड ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है कि झारखंड अब ये ये देखिए यहीं यहीं से से हो जाती है है। कि पूछा जा सकता झारखंड टू रिलीज एफ एस एच सी रिपोर्ट क्या उस रिपोर्ट में आया हाईलाइट हम देखेंगे मेन जो मुद्दा निकल के है मेन जो पॉइंट निकल अनफिट है प्लांट ग्रोथ ड्यू टू अक्यूट डेफिशियं ऑफ नाइट्रोजन चलिए आगे देखते हैं कि क्या इसकी की फाइंडिंग्स हैं और uh, किस तरीके से सैंपल्स uh, लिए गए हैं कितनी जगह से लिए गए हैं जस्ट 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 फॉर फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसेज इन रीजनल फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द स्टेट झारखंड इज लूजिंग इट्स डेंस फॉरेस्ट एज मॉडरेट फॉरेस्ट

होनी कितनी चाहिए है ना और है कितनी वो ये पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि किराउंड टू फिफ्टी एट के जी पर हेक्टेयर एक हेक्टेयर के अंदर एट लगभग ढाई सौ किलो से ऊपर आपके नाइट्रोजन होनी चाहिए बट वी फाइंड इट इसकी जो एवरेज है झारखंड में दैट इज वन फोर्टी के जी और ये फॉरेस्ट सॉइल की बात हो रही है हेक्टेयर इन झारखंड लगभग हंड्रेड हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन केजीस का जो है आपको वेरिएशन uh, जो है वो देखने को मिल रहा है

डेफिशिएंसी so, है इसकी पर हेक्टेयर देखिए इसका एक और सिंपल सॉल्यूशन भी होता है जिसके अंदर आप ना यूरिया डाल के नाइट्रोजन uh, जो है उसको आप वापिस लेके आ सकते हो लेकिन अगेन सेम इंस्टीट्यूट ने उसी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि दिस इज नॉट फेवरेबल कि आप यूरिया का यूज करो है ना ऑल्टरनेटिवली जो उन्होंने कहा है वो यहाँ पे बात हो रही है ऑल्टरनेटिवली डेफिशिएंसी कि अगर आप 90 केजी ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ाना चाहते हो है ना 90 केजी की डेफिशिएंसी को uh, आप कवर अप करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो 17 के ऑफ एफ एम या फिर 5.9 टन्स टन ऑफ वर्मी कंपोस्ट आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूज करेंगे तो आपकी जो नाइट्रोजन की डेफिशेंसी है वो दूर हो जाएगी

You know it. If you don't know it, आपने नहीं पढ़ा इसको और नहीं आपको याद आ रहा है तो दिस क्वेश्चन इज टू बी लेफ्ट अन अटेम्प्टेड फिर अन्य आपका तो तभी यह टू द पॉइंट टॉपिक इसके अंदर आपको डायरेक्टली क्या सवाल इसके अंदर पूछा जा सकता है अभी के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है विच स्टेट इज दर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च एफ एस एच सी रिपोर्ट वी ऑल नो अभी इसी वीडियो के साथ में झारखंड आप थोड़े टाइम के अंदर इसको रिमाइंड करके देखना खुद को कि आपको ये याद रहता है या नहीं कि कौन सी स्टेट है सो दैट यू कैन एक्सेस दी क्लास सेवन डेज फ्री ट्रायल लिंक इज डाउन देयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यू आई